ओप्पो ने रेवोल्यूशनरी फाइंड एक्स लॉन्च किया था 19 जून को, जो कि आता है स्लाइडिंग कैमरास के साथ। और अब कंपनी ने लॉन्च किया है ओप्पो F9 Pro इंडिया में, जो कि आता है काफी स्टनिंग वाटरड्रॉप डिस्प्ले डिजाइन के साथ। पर ये पहला फोन नहीं है जिसमें इतना टाइनी नॉच है। इससे पहले मोबाइल था एसेंशियल फोन, जो कि एंडी रूबिन्स ने बनाया था और लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ था। ओप्पो F9 Pro बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ आता है, जिसमें आपको ड्यूअल टोन बैक कवर मिलता है डायमंड पैटर्न के साथ। डिफरेंट एंगल से ये काफी अट्रैक्टिव लगता है और ये फोन आता है पर्पल, ब्लू और रेड कलर में। ओप्पो ने एक ट्विटर सर्वे किया है जिसके मुताबिक लोग ब्लू कलर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। F9 Pro में आता है 6.3 इंच का LTPS TFT डिस्प्ले विद 2340x1080 पिक्सल डेंसिटी और 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और साथ में हमें मिलता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो। हाय गाइस, कनुज हियर फ्रॉम कैंडीटेक, और मेरे पास है ओप्पो का नया F9 Pro। ये हमने रिटेल यूनिट मार्केट से खरीदा है। ये आपको मिल जाएगा 22,000 में अगर आप इसे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ खरीदते हैं, तो उसमें 2,000 रुपये का डिस्काउंट है। और अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो भी आपको ये 2,000 के आसपास इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा एक्सिस बैंक के बस क्रेडिट कार्ड पर। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू और देखते हैं कैसा है ये नया ओप्पो का फ़ोन। बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन जो है ओप्पो F9 Pro का टॉप नॉच है, और इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है इससे बढ़िया दिखने वाला फ़ोन शायद ही मैंने देखा होगा। और इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है, 450 निट्स ब्राइटनेस है और इवन आउटडोर लेजिबिलिटी भी अच्छी है। उसके अलावा ये आता है मीडियाटेक के हीलियो P60 प्रोसेसर के साथ और आम वाली G72 MP3 GPU के साथ, जो कि हमें मिल जाता है ओप्पो के रियलमी 1 में भी। उसके अलावा इसमें 3500 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और 6GB रैम है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। फ़ोन की थिकनेस जो है वो है 7.99 mm और इसका वेट है 169 ग्राम। तो इसका इन हैंड फील्ड काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड लगता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में भी। फ़ोन काफ़ी स्लिपरी भी है और आप बेटर होगा इसे किसी केस के साथ ही यूज़ करें। वैसे इसके साथ जो केस आया वो काफ़ी टाइट है और इस पर फिंगरप्रिंट मार्क्स भी काफ़ी ईजिली आ जाते हैं। और इसके बॉक्स के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें एक माइक्रो USB केबल आती है, इसमें USB टाइप सी पोर्ट नहीं है, और इसमें एक 20 वॉट्स का VOOC चार्जर आता है जो कि इसके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। और इसके साथ इसमें ईयरफोन्स मिलते हैं जिनको मैंने टेस्ट किया और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट। और फ़ोन के बटन्स का टेक्टाइल फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, आप उन्हें इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा बॉटम साइड में 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है और एक स्पीकर मिल जाता है जिसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है। वो जो है वो ट्रिपल सिम कार्ड डिज़ाइन के साथ आता है, तो आप इसमें 2 सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं और साथ में माइक्रो SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस फ़ोन में NFC का सपोर्ट नहीं है और IR ब्लास्टर भी नहीं आता है। मैंने ओप्पो को 2-3 बार ट्वीट किया है पूछने के लिए कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है या नहीं, पर ओप्पो ने अभी तक उस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फ़ोन आता है एंड्रॉइड ओरियो 8.1 के साथ, साथ में मिल जाता है कलर OS 5.2 और जुलाई का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है और हीलियो P60 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, वो हमने रियलमी 1 में भी देखा था। और ऑप्शंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इसमें आपको ओप्पो शेयर, लोकेशन सर्विसेज, पोर्ट्रेट लॉक और पावर सेविंग मोड्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, गूगल असिस्टेंट, और उसके अलावा बहुत सारी और ऑप्शंस हैं जैसे कि जेस्चर मोशन सपोर्ट, स्मार्ट साइड बार, असिस्टिव बॉल, नेविगेशन कीज को हाइड कर सकते हैं आप, स्मार्ट असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं, तो बहुत सारी टन्स ऑफ ऑप्शंस हैं। इवन प्राइवेसी को लेके और सिक्योरिटी को लेके भी ओप्पो ने बहुत सारी ऑप्शंस इस फ़ोन में दी हैं। तो शायद अगर उसका एक पूरा वीडियो बनाऊं तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक 5 या 10 मिनट का एक वीडियो बन जाएगा सिर्फ इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्शंस को अगर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके अलावा भी अगर आप चाहें तो इसमें काफ़ी सारी अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे कि गेम स्पेस है या आप ऐप्स को क्लोन कर सकते हैं या फिर आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शंस वाइज या ऑप्शंस वाइज मुझे लगता है ये UI काफ़ी रिच है। इनफैक्ट काफ़ी सारी कुछ एक बंडल्ड ऐप्स भी आती हैं, जैसे Amazon है, UC ब्राउज़र है, और टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, रेडियो है, क्लोन फोन है, कंपास है और रिकॉर्डर है। तो ऑप्शंस और उसकी बात करें अगर हम ऐप्स की, तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस प्री इंस्टॉल्ड आती हैं जो कि काफ़ी लोगों को अच्छी लगेंगी और काफ़ी लोगों को नहीं भी लगेंगी, और डिपेंड करता है एक्चुअली टेस्ट पे कि आपको क्या बेटर अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फ़ोन में काफ़ी डिसेंट है। इनफैक्ट रियलमी 1 का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, जबकि वो काफ़ी अफोर्डेबल था। आप मेरा वो रियलमी 1 का वीडियो देख सकते हैं अगर आप इसकी सॉफ्टवेयर ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मैं लिंक कर दूंगा उसे डिस्क्रिप्शन में। और इस फ़ोन का जो खास फीचर है वो है इसकी VOOC चार्जिंग, जो कि एक तरह की फास्ट चार्जिंग है, और यह आता है 20 वॉट के चार्जर के साथ। और मैंने इसे 0% से ट्राई करके देखा स्टार्ट करके कि कितना टाइम लगता है। ओप्पो क्लेम करता है कि आप 5 मिनट में 2 घंटे का बैटरी बैकअप पा सकते हो, तो हमने इसे 5 मिनट तक एग्जैक्टली टेस्ट किया और देखा कि कितने परसेंट ये मैक्सिमम चार्ज हो पाता है 5 मिनट में। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में ये अराउंड 8-9% चार्ज हो जाता है 5 मिनट में पहले,
जो कि काफ़ी फास्ट है और डिसेंट है, और इसे आधा घंटा चार्ज किया तो अराउंड 57-58% ये चार्ज हो जाता है, और फुल चार्ज होने में इसको लग जाता है ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 से 20 मिनट के आसपास। तो ओवरऑल चार्जिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है इस फ़ोन की, और उस चीज़ में ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट है, और Antutu पे स्कोर करता है 137,503, जो कि थोड़ा सा हायर है अगर हम इसे कंपेयर करें क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 660 के साथ या फिर इवन स्नैपड्रैगन 636 के साथ। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेरेबल है स्नैपड्रैगन 660 की और 636 की हीलियो P60 के कंपैरिजन में, और तीनों ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं मिड रेंज फ़ोन्स के लिए। और इस प्राइस रेंज में अपार्ट फ्रॉम पोको F1 किसी और फ़ोन में इतना ज़्यादा बेटर प्रोसेसर नहीं है। हॉनर प्ले एक और फ़ोन है जो कि अगर आप कैनन 970 लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ये फ़ोन गेमिंग के लिए डिसेंट है, बट हाँ आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं जैसे कि पोको F1 या फिर ओनर प्ले अगर आप प्योर गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं। बाकी हमने PUBG प्ले करके देखा, इसमें गेम मीडियम सेटिंग्स में चलती है और आप इसको इजीली खेल सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फ्रेम ड्रॉप्स का इशू तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, और वो हाई और अल्ट्रा वाला गेम प्ले आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो कि आप कर सकते हैं डेफिनेटली ओनर प्ले पे और पोको F1 पे। तो ये फ़ोन बेसिकली मैं इसे गेमिंग स्पेसिफिक फ़ोन नहीं बोलूँगा, इट्स मोर ऑफ अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, गॉर्जियस स्टनिंग डिज़ाइन फ़ोन विच कम्स विद डिसेंट कैमरा। और अगर हम इसमें हीटिंग की बात करें तो इतना ज़्यादा हॉट नहीं होता, इंटरनल टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड 40 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री तक भी पहुँच जाता है काफ़ी देर गेम खेलने के बाद, और एक्सटर्नल टेम्परेचर अराउंड 35-36 डिग्री के आसपास रहता है। बाकी मैं इसका एक फुल गेमिंग वीडियो बना रहा हूँ और उसमें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में कि मैं इसके अलावा कौन कौन सी गेम्स को टेस्ट करूँ। वैसे मैं फॉल्ट 9, हिटमैन और कुछ और गेम्स को टेस्ट करने वाला हूँ, और इसका एक हम फुल बैटरी ड्रेन और एक गेमिंग वीडियो बनाने वाले हैं जो कि मैं पोस्ट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। बाकी अगर आपके कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ों की टेस्टिंग करूं, तो वो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो वो चीज़ों की मैं टेस्टिंग कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कैसी हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं इसका कैमरा रिव्यू और देखते हैं इसके कुछ कैमरा सैम्पल शॉट्स। और अगर हम रियर कैमराज की बात करें तो ये फ़ोन आता है 16 MP प्लस 2 MP ड्यूअल रियर कैमराज के साथ, जिसमें हमें मिल जाता है F1.8 का अपर्चर और F2.4 का अपर्चर। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये आता है 25 MP फ्रंट कैमरा के साथ, जिसमें हमें सेल्फी फ्लैश नहीं मिलता है और इसका अपर्चर है F2.0। कैमरा अब इसका काफ़ी रिच है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि टाइम लैप्स, स्लो मोशन, वीडियो, फोटोज़, पोर्ट्रेट मोड, स्टिकर्स, पेनोरमा और इवन मैनुअल मोड। तो मैंने इसे काफ़ी सारी पिक्चर्स खींची हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स वन बाय वन। ये पिक्चर हमने आउटडोर कंडीशंस में खींची है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं और इवन डायनेमिक रेंज भी ठीक ठाक है। इसमें एक सुपर विविड मोड आता है, तो उसमें पिक्चर्स काफ़ी कलर्ड और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा हायर डायनेमिक रेंज के साथ आती हैं, इन कंट्रास्ट रेशोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जो सेकंड पिक्चर है ये मैंने विविड मोड में खींची है, और इंडोर कंडीशन में भी लो लाइट कंडीशंस या फिर आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल लाइट कंडीशंस में भी जो इमेजेस खींची हैं वो भी डिसेंट हैं। और इमेजेस अगर आप ब्रॉड डे लाइट में खींच रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये मैंने 200% जूम किया इस इमेज को, तो आप देख सकते हैं कि डिटेल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और कैमरा से फोकस करने में भी इतना टाइम नहीं लगता और सब्जेक्ट को इजीली फोकस कर पाता है, और कलर्स भी काफ़ी विविड और एक्यूरेट हैं। ये इमेज बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं खींची हुई है, इवन नॉर्मल लाइट कंडीशंस में भी अच्छी इमेज आ जाती हैं। ये इमेज पोर्ट्रेट मोड में खींची है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर भी इसमें मिल जाता है। और इमेजेस में जो है लो लाइट कंडीशंस की अगर हम बात करें तो लो लाइट कंडीशंस के लिए कैमरा उतना अच्छा नहीं है मैं कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा लो लाइट में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो उतनी अच्छी नहीं आएंगी। सेल्फीज़ की बात करें तो अगर इसका जो AI मोड है वो फ़ोटोज़ को काफ़ी ड्रीमी बना देता है, जैसे आप देख सकते हैं इस फ़ोटोज़ में, और इवन फेशियल फीचर्स भी जो है वो काफ़ी म्यूट कर देता है, और इसमें स्टिकर्स का फीचर आता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो हमने बनाया है, इससे इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन शायद नहीं है और ना ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, कोई ऑप्शन नहीं मिलता इसमें चेक करने का कि इसमें ओप्पो ने क्या इम्प्लीमेंट किया है। इनफैक्ट फोकसिंग स्पीड ठीक है, वीडियो इतना ज़्यादा शेकी नहीं लगा मुझे, और इसमें एक और चीज़ है कि इसमें 4K का सपोर्ट नहीं है। और अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग की बात करें तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट भी है और इजीली फ़ोन को अनलॉक कर देता है मोस्टली। और अगर हम बात करें फेस अनलॉक की तो फेस अनलॉक भी इसका काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी फास्ट है। इनफैक्ट कंपैरिजन करें अगर मोस्ट फोन्स के साथ इस प्राइस रेंज में तो इसका फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा है, और इवन ये अगर हम इसे यूज़ करें लो लाइट कंडीशंस में या बिल्कुल डार्क में भी तो ये इजीली अनलॉक हो जाता है। थोड़ा सा स्लो हो जाता है लो लाइट कंडीशंस में, बट
ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस है इसके फेस अनलॉकिंग फीचर की। सो ओवरऑल ओप्पो F9 Pro काफ़ी बढ़िया दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा इनहैंड फील है और यूज़ करने में भी काफ़ी मज़ा आता है इस फ़ोन को। बट हाँ, इसमें फ्लैगशिप ग्रेड प्रोसेसर नहीं आता जैसे कि कैरन 970 या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे जो चीपर अल्टरनेटिव है रियलमी 1 ओप्पो की तरफ से, तो उसके कंपैरिजन में इसमें जो ओवरऑल डिज़ाइन है, एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेटर है। इनफैक्ट कैमरा क्वालिटी भी इसमें काफ़ी बेटर है कंपेयर टू रियलमी 1। तो ठीक है, ये फ़ोन थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन और स्टनिंग फ़ोन चाहिए तो ओप्पो का F9 Pro आप सोच सकते हैं लेने का। अदरवाइज़ बेटर ऑप्शन है ही आपके पास पोको F1 और ऑनर प्लेस प्राइस रेंज में। तो होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे मेरे पास काफ़ी सारे और नए फ़ोन पड़े हैं, MI A2 है, Zenfone 5G है, Poco F1 है और Huawei का ओनर प्ले है। तो सारे डिवाइसेस टेस्ट कर रहा हूँ मैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं ओप्पो F9 Pro को या फिर बाकी के फ़ोन्स को लेके, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चन का आंसर करने का, या फिर उन चीज़ों को मैं इंक्लूड कर दूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।